Hey, what's up guys? This is Pratik. दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके लिए लाया हूँ एक एप्लीकेशन जो आप तो यूज करते रहेंगे टाइपिंग कीबोर्ड जो आपका रहता है आपके फोन में टाइपिंग बोर्ड जो किसको मैसेज करते हैं या फिर आपका गूगल इंडिक बोर्ड रहेगा जो आपको इंस्टॉल करना पड़ता है प्ले स्टोर से और फिर नहीं तो आपका डिफॉल्ट जो रहता है वो यूज करते रहेंगे। बट मैं आपको ऐसे तो आपको बताने वाला हूँ टाइप बोर्ड जहाँ से आप आईपीएल मैच का स्कोर बोर्ड भी वही टाइप बोर्ड पे पा सकते हैं और बहुत सारे जीआईएफ इमेजेस या फिर साइडी भी पा सकते हैं। अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं इस वीडियो का एंड तक देखते रहिए, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जैसे मैं आपको बता रहा था मैं आपको तो टाइपिंग बोर्ड बोलने वाला हूँ, इसलिए फर्स्ट हम लोग को ओपन करना पड़ेगा अभी प्ले स्टोर। अभी प्ले स्टोर ओपन करते हैं। ये आ गया प्ले स्टोर। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपको इधर एक तो सर्च करना पड़ेगा रामू काका एप्लीकेशन, जो मैं पहले सर्च बोर्ड में मेरा दिख रहा था आपको, ये है रामू काका एप्लीकेशन। एप्लीकेशन की बात करें तो आपको इधर 4.6 रेटिंग मिलता है और इसका डाउनलोड मिलता है 10,000 डाउनलोड। आप इस टाइप का कुछ आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा कीबोर्ड में। आप देख सकते हैं कीबोर्ड एक काम अनेक, ये हिंदी में लिखा है। ये कीबोर्ड में आपको आईपीएल मैच जो भी आपके क्रिकेट मैच चल रहा है तो उसका भी आपको स्कोर बोर्ड ये एप्लीकेशन में देखने को मिलेगा। तो फटाफट हम इसको आप इंस्टॉल कर दीजिए। ज्यादा एमबी का नहीं है, ये 5.6 एमबी का है। तो मैं इसको पहले से इंस्टॉल करके रखा हूँ इसलिए यूज कर रहा था। मैं कल भी इसमें मैच का स्कोर बोर्ड देख रहा था तो आपको टीवी खोलना नहीं पड़ेगा, इसलिए फटाफट इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आपको अलाउ का ऑप्शन पूछेगा, इसको एक्सेस करना पड़ेगा नहीं तो ये नहीं चलेगा। इसको अलाउ करते हैं फर्स्ट, ये हो गया अलाउ। देन आपको इधर एक्टिवेट का ऑप्शन आता रहेगा, इधर एक्टिवेट क्लिक करते हैं। एक्टिवेट क्लिक करने के बाद आपको इधर मैं गीता पे शपथ रख क्या क्या कर दे रहा है, तो एक्टिवेट करने के बाद आपको इधर रामू काका अटेंशन ओके करना पड़ेगा, आपको बैग जाना पड़ेगा। देन आपको इधर रामू काका इसको जी बोर्ड में रहे गूगल की बोर्ड। इसके बाद आप यूजर स्टिफ सेटिंग्स में जाना पड़ेगा। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको इधर कुछ सेटिंग्स करना पड़ेगा नहीं तो ये नहीं चलेगा। तो आप देख सकते हैं मेरे सामने ये रामू काका जो आप कीबोर्ड था, मैं इसको सेटिंग करने के बाद आपको इस टाइप का कुछ देखने को मिलेगा। मैं अभी व्हाट्सएप ओपन किया हूँ तो आपको इधर लेटर देखने को जैसे मिलता है वैसे मिलता है। फिर आपको इधर क्लिक करने के बाद आपको इमोजी बहुत सारे इमोजी देखने को मिलेगा जो पहले से आपका गूगल कीबोर्ड में इतना नहीं रहता, थोड़ा ये कस्टमाइज करके इमेजेस इमोजी प्रेजेंट करता है। जीआईएफ में क्लिक करने के बाद आपको इधर जीआईएफ का बहुत ऑप्शन मिल जाता है, सर जीआईएफ जो आप सर्च करेंगे इधर मिलेगा। डायलॉग की बात करें तो आपको इधर डायलॉग मिल जाता है, इसको आप शेयर कर सकते हैं अपना व्हाट्सएप में। जो आप किसी को अगर मैसेज करते हैं तो आपको इधर डायलॉग का भी ऑप्शन मिलता है। आपको कुछ पहले से गूगल में सर्च करना पड़ता है या फिर आपको गूगल में सर्च करने के बाद आपको लिखना पड़ता है, बट ये डिफॉल्ट रहता है। इधर चुटकुले, आप चुटकुले भी सेंड कर सकते हैं। आपको इधर नेक्स्ट में क्लिक करना पड़ेगा। तो आप सुन गए होंगे चुटकुले, ये फिर से मैं आपको सुना देता हूँ आपको चुटकुले। समझ गए, ये थोड़ा थोड़ा चुटकुले भी दे देता है ये कीबोर्ड में। तो आपको इधर शेड्यूलर में क्लिक करने के बाद आपको इधर शेड्यूल और मैसेज शेड्यूल भी कर सकते हैं, इनसॉर्ट भी कर सकते हैं मैसेज को। फिर आपको ज्योतिष विद्या भी देता है, अगर आप ज्योतिष में विश्वास करते हैं तो आप ज्योतिष भी कर सकते हैं। इधर लिखा है लाइव ट्रैफिक, लाइव ट्रैफिक इन्फॉर्मेशन सेव रूट भी सेव करते हैं। अगर आप गूगल लोकेशन ओपन करते हैं तो आपको इधर हॉरोस्कोप भी मिल जाता है, अगर आप हॉरोस्कोप चेक करना चाहते हैं कि मेरा हॉरोस्कोप आज कैसे जाएगा वो भी आपको मिलता है। ऑटो, आपको इधर रूट सेट करने के बाद आपको आपका जो रूट में कौन सा ऑटो चल रहा है उसका भी रूट ये ट्रैक करके बोल देगा। टैक्सी, टैक्सी में आपका अगर जाते हैं ओला या फिर उबर कर जाते हैं टैक्सी में तो आपको इधर उबर अलाउ कर देगा, उबर में भी आप बुक कर सकते हैं टैक्सी। आपको इधर कैलकुलेटर का भी ऑप्शन मिलता है, अगर आप इस ऐड या प्लस माइनस करना चाहते हैं तो आपको इधर भी कर सकते हैं। फिर आपको इधर न्यूज का ऑप्शन मिलता है, अगर हम न्यूज पढ़ना चाहते हैं टॉप स्टोरीज या फिर आपको न्यूज का एप्लीकेशन बात करें तो आपको इधर न्यूज डॉक भी मिलता है, यूसी न्यूज भी मिलता है। बट ये कीबोर्ड में आपको पहले से डिफॉल्ट देता है तो आपको ज्यादा कुछ डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा। ई बस कीबोर्ड में आपको सभी टाइप का ऑप्शन देता है, कैलकुलेटर देता है, लाइव टैक्सी उबर भी बुक कर सकते हैं, कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, इमोजी प्रेजेंट कर सकते हैं, चुटकुला सुना सकते हैं। तो फिर लास्ट में आपको दिखता है लाइव स्कोर बोर्ड, इधर लाइव स्कोर में क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा ये बफरिंग होता है, अगर आपका नेट स्पीड हो तो फटाफट ही काम करेगा। तो दोस्तों आप जैसे देख सकते हैं लाइव स्कोर का ऑप्शन जो इंडिया प्रीमियर लीग अभी चल रहा है आईपीएल, तो अभी इधर लिखा है स्टार्ट्स ऑन अप्रैल 8 1:10:30। तो इधर स्कोर बोर्ड में क्लिक करने के बाद आपको इधर स्कोर बोर्ड बैट्समैन कौन कौन बैटिंग कर रहा है और फिर कौन बॉलिंग कर रहा है उसका भी दिखेगा। मोर में क्लिक करने के बाद आपको इधर क्रिकेट बज मतलब खुल जाता है जो कि ऑफिशियल साइट है क्रिकेट का, जो आईपीएल में आपको मैच स्कोर बोर्ड ढूंढते हैं जब आप सर्च करते हैं
गूगल में तो आईपीएल स्कोर बोर्ड देखने के लिए आपको क्रिकेट वाइज में स्कोर ढूंढना पड़ता है, बट ये क्रिकेट बोर्ड के साथ लिंक हुआ है ये कीबोर्ड, तो इसलिए आपको पहले से दे देता है आईपीएल स्कोर। लाइव स्कोर में क्लिक करने के बाद आपको पहले से आईपीएल स्कोर दे देता है, डील भी ऐड देता है, और इसको आप चाहते हैं तो आपके सोशल मीडिया एप्लीकेशन में शेयर कर सकते हैं। जिसको आपको भेजना है तो डायरेक्ट इधर व्हाट्सएप से भेज सकते हैं। आपको प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको इधर शेयर का ऑप्शन आता है, बट यहाँ से डायरेक्ट भेज सकते हैं। आपको इधर क्लिक करने के बाद आपको कस्टमाइज करना चाहते हैं तो टूल बार को आप कस्टमाइज करना कर सकते हैं। फिर आपको इधर फीडबैक का ऑप्शन मिलता है, अगर आप फीडबैक देना चाहते हैं तो इसको फीडबैक भी दे सकते हैं। सजेशन आप करना चाहते हैं तो कुछ और ऐड करने के लिए आप सजेस्ट भी इसको कर सकते हैं कि अच्छा सजेस्ट एक्सेप्ट करता है। तो देख सकते हैं स्टार्ट से ये दिया हुआ है स्कोरबोर्ड में। स्कोरबोर्ड में क्लिक करने के बाद जैसे आपको दिखता है ऐसे इंटरफेस आपको दिखने को मिल जाए, कौन बैटिंग कर रहा है, कितना रन हुआ है। तो आपको टीवी खोलना नहीं पड़ेगा, बस ये आप कीबोर्ड के थ्रू आप कर सकते हैं। आपको स्कोरबोर्ड देख सकते हैं, कैलकुलेटर देख सकते हैं, चुटकुला हर टाइप का ये आपको कस्टमाइज करके देखता है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड कीबोर्ड एप्लीकेशन यूज कीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, आप डायरेक्ट उधर से डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन का नाम है रामू का। फिलहाल इतना ही, जय हिंद, धन्यवाद।